हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जर्मन लूज बॉयलर की डिटेल शेयर करूंगा, जिसमें वैशिफ्ट का बर्नर लगा हुआ, गैस बर्नर है ये और डबल स्टेज बर्नर है ये, और ये बर्नर भी जर्मन है जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी भी शेयर कर चुका हूं। तो हमारे पास इसमें वही सेम चीज़ें, ब्लोअर मोटर और आपका यहाँ पर LAL सीमेंस का कंट्रोलर हो गया, फिर हमारे पास प्रेशर स्विच हो गया एयर का, और साथ ही साथ हमारे पास इसकी फायर साइड ग्लास है जहाँ से आप फायर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप दूसरी तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि ये जो गैस की से पहले तो हमारे पास यहाँ शाफ्ट शाफ्ट है, आप देख सकते हैं कि ये शाफ्ट है, फिर सर्वो मोटर है अटैच्ड है, और आप मैकेनिकल सारा सेक्शन चेक कर सकते हैं। ये अंदर से यहाँ गैस को ओपन करेगा, और यहाँ पर हमारा पूरा गैस का सिस्टम है, डिफरेंट स्विचेज हैं डंग के, फिर हमारे पास उनकी एडजस्टमेंट है, सॉलेनॉइड वॉल्व्स हैं आप देख सकते हैं ये नीचे, और फिर हमारे पास यहाँ ये पूरी गैस की इनलेट की लाइन में आप चेक कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं, इस तरह की ये प्रेशर गेज है आउटलेट की, और यहाँ हमारे पास रेगुलेटर है जो हमने एडजस्ट किया हुआ है, और फिर ये इनलेट की प्रेशर गेज है, और साथ हमारे पास फ्लो मीटर है गैस का जिसमें हम फ्लो चेक कर सकते हैं, फिर हमारे पास टेम्परेचर का है कि हम हमारी गैस का टेम्परेचर कितना है, फिर यहाँ हमारे पास बाल वाल्व है पीछे, उसके बाद ऑनवर्ड हमारे पास सेफ्टीज, इसमें काफ़ी सेफ्टीज होती हैं। इसी तरह ये हमारे पास लेवल वाटर का जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर हमारे पास यहाँ सेफ्टीज़ हैं कुछ, जिस तरह के ये प्रेशर स्विच है फॉर सेफ्टी, ये ट्रांसड्यूसर है फॉर ऑपरेटिंग, फिर हमारे पास प्रेशर गेज आ गई, फिर हमारे पास आप देख सकते हैं अगर दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारा का सारा वाटर सिस्टम का आप देख सकते हैं कि ये लिमिटर हैं, और साथ ही हमारे पास वाटर लेवल की प्रॉप्स, और ये आपको पता है कि सेफ्टी वॉल्व, और साथ हमारे पास ग्लोब वॉल्व लगा हुआ। अब अगर मैं आपको पैनल का विज़िट करवाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक HMI है, क्योंकि ये जर्मन सिस्टम है तो पूरा HMI पे काम करता है। यहाँ हमारे पास ऑन ऑफ है, और हमारे पास साथ ही इसके जो है वो प्रेशर एडजस्टमेंट्स हैं विद डिफरेंट स्टेजेस, आप देख सकते हैं दो स्टेज है ये, और फिर अगर आप बैक जाएं तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं वाटर का सिस्टम है, जहाँ से हम पंप को भी सेट कर सकते हैं ऑफ, फिर हमारे पास यहाँ उसका लेवल शो होगा वाटर का, और फिर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं जैसे कि ऑन ऑफ, एरर चेक करना, और डिफरेंट ग्राफ देखना, और सेटिंग्स वगैरह। तो ये थी हमारी HMI थोड़ी सी, और फिर मैं अगर आपको थोड़ा सा विज़िट करवाऊँ हमारे वाटर सेक्शन का, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्टनर लगा हुआ, और सॉफ्टनर के साथ ही हमारे पास फीड वाटर टैंक है जहाँ हमारा पानी आ रहा है सॉफ्ट, और फिर हमारा उसके बाद वो कंडेंसेट टैंक है जहाँ पानी थोड़ा सा गर्म होके डोजिंग के साथ हमारे बॉयलर में इन होता है। इसलिए अगर अब मैं आपको थोड़ा सा पैनल के इनसाइड सेक्शन का विज़िट करवाऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास HMI लगी हुई है, और साथ उसके कुछ और कंपोनेंट्स भी आप देख सकते हैं, PLC है 7300, और साथ उसके डिजिटल एनालॉग इनपुट मॉड्यूल्स हैं, आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, इथरनेट लगा हुआ, एक्सपेंशन जॉइंट भी है इसमें कुछ, और यहाँ हमारे पास टर्मिनल्स हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं ये रिले हैं सारी, ये ब्रेकर लगे हुए हैं, फिर हमारे पास एक कॉन्टेक्टर है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, फिर ऊपर हमारे पास दोबारा रिलेज आ जाती हैं, और फिर हमारे पास दोबारा कॉन्टेक्टर विद ऑक्सिलरीज, और यहाँ आप ओवरलोड है तो आप देख सकते हैं ओवरलोड लगे हुए, जिसको हम मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर भी कहते हैं, और यहाँ हमारे पास डिफरेंट ट्रांसफार्मर्स वगैरह 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 आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। और ये हमारे पास जो है वो जो मैंने आपको प्रॉप दिखाई थी शुरू में, ये उसके यहाँ एम्पलीफायर लगे हुए हैं जिसमें हम सारी स्विचिंग करवा रहे हैं। तो ये था कंट्रोल पैनल का ओवरव्यू।